नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस लेसन प्लान में, जिसमें कि मैं आज आपको कंप्लीट करने वाला हूँ प्री हिस्टोरिक एरा पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिसको कि हिंदी में प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक सोर्सों से मिलती है, ठीक है ना। हेडिंग बना लेते हैं हम, हेडिंग कंप्लीट हेडिंग है यहाँ पर, प्री हिस्टोरिक एरा, प्री हिस्टोरिक एरा के ऊपर मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट मिलेगी कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, जो कि आपके आईएएस और आईपीएस यानी कि सिविल सर्विसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इससे, साथ ही साथ में अन्य एग्जाम्स के विद्यार्थी भी ये पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें मैं आपको प्री और मेंस पूरे कंटेंट यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन के साथ में रेगुलर आपको यहाँ पर लेसन प्लान मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा, प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में बात करें तो प्री हिस्टोरिक एरा वह काल है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक सोर्सों से मिलती है, यानी कि उत्खनन के दौरान जो जानकारी हमें मिली, खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, उस एविडेंस के बेसिस पर हम प्रागैतिहासिक काल की गणना कर सकते हैं। इस समय की जो इतिहास है, ये इतिहास हमें जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री हमें लिखित रूप में नहीं मिलती, यानी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी लिखित रूप में नहीं है, यानी कि रिटर्न बेसिस पे कोई भी साक्ष्य नहीं है, लिखित रूप में नहीं प्राप्त होती। लिखित रूप में इसकी जानकारी नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य इसकी नहीं है, उस काल को प्री हिस्टोरिक एरा या फिर प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो अन्य टर्म में इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में? इसको प्रस्तर युग भी बोलते हैं, प्रस्तर युग, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो इसको स्टोन एज, स्टोन एज भी कहते हैं, या फिर इसको इतिहास से पूर्व का युग। क्या कहा जाता है? इतिहास, जो इतिहास हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है, यहां से कि हमें अभिलेख मिलते हैं, साहित्य के द्वारा जो जानकारी मिलती है, या फिर कहीं किसी ईस्वी की पूरी जानकारी रिटर्न बेसिस पे किताबों के द्वारा मिलती है, तो उस युग को जो कहा जाता है उसको हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन हिस्ट्री से पहले का जो एक युग है, जो काल है, ठीक है ना, उसको इतिहास से पूर्व का युग। अंत में क्या कहेंगे यहाँ पर? इतिहास से पूर्व का युग ही कहते हैं, इतिहास से पूर्व का युग भी इसको कहा जाता है। तो क्या बताया मैंने आपको? इतिहास यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा वह टाइम है, वो एरा है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक सोर्सों से, यानी कि उत्खनन के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जो एविडेंस प्राप्त हुए, उस काल को प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्टोरिक एरा कहा जाता है। इस समय की जानकारी लिखित रूप में नहीं मिलती है, और ये काल, इसको स्टोन एज भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है, अन्य टर्म में इसको इतिहास से पूर्व का युग भी कहा जाता है। तो ये तीन जानकारी मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब हम चलते हैं, ये जो काल है, ये प्रागैतिहासिक जो काल है, इसका समय कौन सा है, कब से लेके कब तक की का जो टाइम है, जो युग है, जो एरा है, वो एरा कौन से कब से लेके कब तक का माना जाता है, ये भी नोट कीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल जो कि 5 लाख BC से लेकर 2500 BC तक का जो काल है, 5000 BC से लेकर, ठीक है ना, 2500 BC तक का जो काल है, ठीक है ना, जो टाइम है, वो टाइम प्री हिस्टोरिक एरा कहलाया, ठीक है ना, वही एरा, वही टेन्योर प्री हिस्टोरिक एरा कहा जाता है। क्लियर हो गया?
अब इस प्रीहिस्टोरिक एरा को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, अलग काल में, क्योंकि इसका जो टाइम कंडीशन है, टाइम काल का कब तक का है, 5 लाख से लेकर 2.5 हजार तक, यानी कि इसके बीच में काफी ज्यादा परिवर्तन, काफी ज्यादा चेंजेस हमें एविडेंस के रूप में पुरातात्विक खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो उत्खननकर्ता को जानकारी मिली, तो उसको भी तीन भागों में इसको डिवाइड किया है, उसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्री स्टोरिक एरा को प्री स्टोरिक एरा को तीन भागों में विभाजित किया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट, तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है, क्लियर हो गया, इसको तीन भागों में विभाजित कंप्लीट किया गया है। अगर हम आगे बढ़े यहां पर, तीन भागों में विभाजित करने के बाद में, तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहां पर नोट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है यहां पर, जिसको बोलते हैं पुरापाषाण काल, क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल या फिर पेलियोलिथिक एज, हिंदी में हम बोले इसको तो पुरापाषाण काल, या फिर इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, तो पैलियोलिथिक एज का जो टाइम है वो भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान, ठीक है ना। पैलियोलिथिक एज का जो टेन्योर है वो 5 लाख, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है, प्री स्टोरिक एरा की, 5 लाख BC लेके 2.5 हजार BC, जिसको कि तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग जिसको कि पुरापाषाण काल कहा जाता है, तो पुरापाषाण काल 5 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर 50 हजार BC तक का जो टाइम है वो टाइम कहलाता है कौन सा, पुरापाषाण काल या फिर पालियोलिथिक एज कहते हैं, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो काल है वो है मध्य पाषाण काल या फिर मीसोलिथिक एज, नोट करते आइएगा, मध्य पाषाण काल या फिर मीसोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है, मीसोलिथिक एज। इस काल की जो गणना है वो जो गणना है वो है 10,000 BC से लेकर, नोट करते जाएगा, 10,000 BC से लेकर 7,000 BC तक का जो टाइम है वो मीसोलिथिक एज कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा काल आता है, जिसको कि हिंदी में नव पाषाण काल कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज, सॉरी, ठीक है, पालियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का की जो गणना है वो अलग अलग दो भागों में यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि वर्ल्ड का नियोलिथिक एज अलग है और इंडिया का नियोलिथिक एज अलग है, दोनों को यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसको नोट किया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का नियोलिथिक एज की जो गणना है वो 9,000 BC से लेकर 2,500 BC तक मानी जाती है, और अगर भारत की बात करें तो भारत की, ठीक है ना, भारत यानी कि इंडिया, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टाइम है वो 7,000 BC से लेकर 7,000 BC से लेकर 2,500 BC तक का माना जाता है, क्लियर हो गया। तो अभी तक क्या बताया मैंने, कॉम्प्रेशन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। प्री स्टोरिक एरा जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है, इसे प्रस्तर युग या फिर स्टोन एज भी कहा जाता है,
ठीक है ना, इस इतिहास को पूर्व का युग भी कहा जाता है, इस इतिहास को पूर्व का युग भी कहा जाता है। और इसका जो टेन्योर है वो 5 लाख से लेके 2500 BC तक का माना जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या बताया, प्री हिस्टोरिक एरा 3 भागों में यहां पर देखने को मिलता है, 3 भागों में यहां पर देखने को मिलता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, पुरापाषाण काल जो कि 5 लाख से लेके 2500 5 लाख से लेके 50,000 BC तक का है, और दूसरा है मध्य पाषाण काल जिसको कि मीसोलिथिक एज कहा जाता है, 10,000 BC से लेके 7,000 BC तक का है, और उसके बाद में तीसरा जो काल है जो कि प्री हिस्टोरिक एरा का ही काल कहलाता है, वो नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक एज कहते हैं इसको। और ये इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड का जो है वो 9000 BC से लेके 2500 BC तक का मिलता है, और भारत का 7000 BC से लेके 2500 BC तक का ये काल नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसको अलग अलग भागों में इस तरीके से देखें कि जो पुरापाषाण काल जिसको कि बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, तो इसको अगर हम गणना करें तो इस समय के जो मानव थे, ठीक है ना, इस समय की मानव की जो संस्कृति थी वो कैसी थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इस समय का जो मानव था वो आखिटक था, यानी कि शिकारी था। क्या था ये, आखिटक था। और आखिटक के साथ साथ क्या था ये, आखिटक के साथ में क्या था ये फूड प्रोडक्ट का जो है वो स्टोरिंग करना सीख गया था, खाद संग्राहक जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खाद संग्राहक, संग्राहक या फिर फूड स्टोर करने लग गया था, ठीक है ना, शिकारी था और खाद को स्टोर करने लगा था। और ये था पुरापाषाण काल का समय, ठीक है ना। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था उस समय का, उस समय की जो जीवन शैली थी वो पुरापाषाण काल से अलग हटके थोड़ी सी चेंज आ गया था, थोड़ा सा बदल गया था, थोड़ा सा एडवांस हो गया था यहाँ पर। तो हम इसके बारे में बात करें तो ये इस समय का जो मानव था वो आखिटक था, लेकिन आखिटक के साथ में इस समय के मानव ने पशु पालना, ठीक है ना, पशु पालना चालू कर दिया था, यानी कि पशुपालक वो बन गया, पशु पालक भी बन गया। तो ये था मध्य पाषाण काल का मानव, जो कि 10,000 से लेके 7000 BC तक का ये मानव था, जिसको कि मीसोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण काल भी कहा। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल का जो उस समय की जीवन शैली थी वो जीवन शैली अब आखिटक ना होते हुए वो, क्योंकि यहाँ पर खाद्य संग्राहक हो गया था जो कि पुरापाषाण काल में था, आखिटक था, मध्य पाषाण काल में आखिटक के साथ में पशु पालना सीख गया था, लेकिन नवपाषाण आते आते क्योंकि यहाँ पर समय बहुत बदल गया, 5 लाख से लेके यहाँ पर 9,000 आ गया था, यानी कि काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे, 5 लाख से 9,000 तक पहुंच गए थे। तो इस समय तक जो मानव था उसका काफी ज्यादा विकास हो चुका था। नवपाषाण काल यानी कि नवीन युग, नवीन युग बोल सकते हैं इसको, कि एक नए युग में यहाँ पर इस समय का मानव पहुंच चुका था। तो इस समय के मानव का जो जीवन शैली थी काफी ज्यादा बदल गई थी, शिकारी ना होते हुए इस समय का जो मानव था, देता हूं मैं, इस समय का जो मानव था वो था यहाँ पर खाद, यहाँ पे क्या कृषि चालू कर दी थी, ठीक है ना, फूड उत्पादक हो गया था, तो कृषि चालू कर दी थी, यानी कि कृषि आधारित प्रोडक्ट, कृषि उत्पादक हो गया था, ये कृषि उत्पादक हो गया था। कृषि उत्पादक के साथ में यहाँ पर जो जीवन शैली थी इस समय तक की, उस समय की मानव थी वो स्थिर हो गई थी, कैसे हो गई थी, स्थिर हो गई थी, यानी कि एक जगह रहकर जीना सीख लिया था और ग्रुप में, समुदाय में रहने लगा था, ग्रुप में एक साथ में रहने लगा था और एक साथ में जीवन शैली इसने अपना ली थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर, ठीक है ना, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन। प्री हिस्टोरिक एरा 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला जो एरा है वो है पुरापाषाण काल जो कि 5 लाख से लेके 50,000 जो ईसा पूर्व है 20 तक है, और इस समय का जो मानव है वो आखेटक के साथ साथ यानी कि शिकारी होने के साथ साथ खाद्य संग्राहक यानी कि फूड स्टोरिंग का की टेंडेंसी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। साथ ही साथ में फिर सेकेंड जो काल है वो है
पाषाण काल जिसको कि मिसोलिथिक एज कहते हैं, इस एज का जो जो टाइम है वो 10,000 यानी कि 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक का माना जाता है। इस समय का जो एरा है, उस समय का जो मानव है उनकी जो जीवन शैली थी वो शिकारी के साथ साथ पशुपालक हो गया था, यानी कि पशुपालना उसने सीख लिया था। तीसरा जो जो प्रीहिस्टोरिक एरा का जो काल है वो नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक एज भी बोला जाता है, जो कि अलग अलग काल में यहाँ पर विभाजित है, वर्ल्ड का अलग है और भारत का अलग है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो ये 9000 बीसी से लेकर 7000 बीसी तक का बोला जाता है और भारत का 7000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का बोला जाता है। इस समय का जो मानव था वो क्या हो गया था, नवपाषाण यानी कि नए एज में यहाँ पर आगे बढ़ चुका था और इस समय का जो मानव था वो आर्किटेक्ट ना रहकर फूड प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करना चालू कर दिया था, यानी कि कृषि उत्पाद पर आधारित काम करने लगा, यानी कि कृषि चालू कर दी थी उसने, ठीक है ना, खेती चालू कर दी थी, कृषि उत्पाद पर आधारित काम करना चालू कर दिया था। साथ ही साथ इस समय का जो मानव था वो एक जगह स्थिर होकर रहने लगा था, ग्रुप में यानी कि एक समुदाय बनाकर एक साथ जीवन जीना सीख लिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये थे तीन काल जो कि प्रीहिस्टोरिक एरा के माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आगे हम एक एक करके इनके पॉइंट्स को यहाँ पर समझेंगे। तो पहला जो काल है वो काल कौन सा था, मैंने बताया था प्रीहिस्टोरिक एरा था, वो था पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों काल प्रीहिस्टोरिक एरा में आते हैं। तो हम पहला जो काल है उसको यहाँ पर समझने जा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप अगर मेरे लेक्चर्स को कंप्लीट अध्ययन करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐप के माध्यम से इसको कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अभियान एकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट लेसन प्लान सिविल सर्विस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आईएएस और आईपीएस की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाता हूँ। तो ऐप आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्ले स्टोर से, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपके सामने बैनर पर यहाँ पर मोबाइल नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां से आप कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल, प्री स्टोरी एरा का पहला काल पुरापाषाण। पुरापाषाण काल या फिर इसको पालियोलिथिक एज भी बोला जाता है। पालियोलिथिक, ठीक है, पालियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल। अब ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने प्रीहिस्टोरिक एरा बताया था आपको, प्रीहिस्टोरिक एरा तीन भागों में डिवाइड था। अब ये पुरापाषाण काल, इसका जो काल है वो मैंने कहा सबसे बताया था, टाइम नोट कीजिएगा, इस टाइम पर आधारित ही आपको समझ में आएगा। इसका जो काल है वो 5,00,000 बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक का है, नोट कीजिएगा 50,000 बीसी तक का है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम कितना है, काफी ज्यादा लंबा टाइम है। जब काफी ज्यादा लंबा टाइम है तो इस एज को जो कि पालियोलिथिक एज है, इस काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग यानी कि तीन भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं निम्न, यानी कि जो सबसे पहला, ठीक है ना, प्रीहिस्टोरिक यानी कि पालियोलिथिक एज का सबसे पहला काल, ठीक है ना, इसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है। दूसरा जो काल है वो कौन सा काल है, वो बोलते हैं मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। चौथा काल को, तीसरा काल कौन सा है, इसी का तीसरा काल है उच्च पुरापाषाण काल। तीन कालों में इनको डिवाइड किया गया है।
अगर हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल का जो समय है वो कितना है यहां पर, ये है 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक, 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक का जो काल है वो काल जो कहलाता है वो निम्न पुरापाषाण काल कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे मध्य पुरापाषाण काल की, तो मध्य पुरापाषाण का जो काल है वो 50,000 BC से लेकर 40,000 BC तक, 40,000 BC तक का जो काल है वो काल कहलाता है मध्य पुरापाषाण का काल। इसी तरीके से अगर हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो वो जो काल है वो 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक का जो टाइम है वो काल कहलाता है उच्च पुरापाषाण टाइम कहलाता है। तो इस तरीके से 3 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है जो कि है पुरापाषाण। तो यहां तक का पॉइंट्स आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, जो कि मैंने आपको प्री हिस्टोरिक एरा के 3 पॉइंट्स बताए, जिसमें कि प्री हिस्टोरिक एरा 3 भागों में पुरापाषाण काल, उसके बाद में पुरापाषाण काल के बाद में इसमें जो टाइम था वो मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल बताया, और इसके बाद में फिर हमने आपको जानकारी दी कि जो पुरापाषाण काल है ये भी 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण। तो ये थी पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। कंप्लीट स्टडी के लिए आप मेरा ऐप अभियान एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे कि मैं आपको सिविल सर्विस की पूरी जानकारी विद कंप्लीट फैक्ट्स विद PDF नोट्स के साथ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐप इंस्टॉल कीजिए और साथ में आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे कि आपको सिविल सर्विस का पूरी स्टडी मटेरियल के साथ में यहाँ पर कंप्लीट कराया जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई this video till end.